नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल कंप्यूटर मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी में फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टेलनेट सर्वर के बारे में। तो इससे पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, आप उस बटन पे क्लिक करके हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित साथ ही साथ हैकिंग सिक्योरिटी से संबंधित वीडियोज़ को अपलोड करते हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं हम टेलनेट सर्वर के बारे में। जो ये टेलनेट सर्वर है, ये जो सर्वर है रिमोट कंप्यूटर में लॉग इन करने की अनुमति हमें देता है। अगर मान लीजिए अगर आप एक ऑफिस वर्कर हैं या आप प्रोफेशनल ऑफिस, आपका एक ऑफिस है और आप चाहते हैं कि आपके पास और 10 से 15 कंप्यूटर हैं, उनमें में से एक कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं, वो भी अपने ऑफिस में बैठे ही और बिना उस जगह पे जाए, तो ये जो टेलनेट सर्वर है ये आपको उसका सुविधा और फैसिलिटी देता है, जिससे आप अपने ऑफिस में बैठे ही उस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं और उसमें जो भी फाइल डाटा उसे अपने कंप्यूटर में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, साथ ही साथ उस कंप्यूटर में दूसरे वर्क को भी कर सकते हैं। और इसके द्वारा नेट में कहीं से भी टर्मिनल सीजन को स्टार्ट किया जा सकता है। तो ये था टेलनेट सर्वर के बारे में छोटी सी बातें जिसको मैंने आपको बताई। ये वीडियो इतना ही, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।